वाह वाह वाह, यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को बैठ कर देखूंगा नहीं। चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। थैंक यू, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये एक प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दूं। तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। शायद ये अच्छा ही हुआ, वरना मैं सबको जल्द ही हरा देता। क्या ऊंचा फेंकता है? कौन है ये लोग? अब हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। अब डिस्कस करने को बचा ही क्या है? हा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना, यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये मेरे पुराने नौकर पर छोड़ दो, वो जानता है क्या करना है। इस मामले में हम दोनों की एक ही राय है। ठीक है टीम सेवंथ यूनिवर्स, अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो गया है। अब मैं चाहता हूँ सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना लें। एक मिनट, तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? ओ, तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? हम जब तक सर्कल नहीं बनाएंगे यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते। तो तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? ओह, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है वेजिटा, मैं काटूंगा नहीं। मजा आया। हमने टीम वर्क के बारे में बात की, तुमने उसका एक भी शब्द सुना के नहीं? ये कैसा है, अब तुम खुश हो ना? ठीक है। ठीक है। नमस्कार ग्रैंड मिनिस्टर, सेवंथ यूनिवर्स के फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, समझ गए। आपको देखकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं मास्टर? मुझे वो मत बुलाओ। मुझे खुशी है तुम आए काबा, टूर्नामेंट में आकर अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत। तो अपनी टीम से मिलवाओगे नहीं? नहीं। ओ हाँ, ये कॉलीफ्लावर है, ये भी सेन है। ओ वाओ, एक फीमेल सेन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है गो। गजब बेइज्जती है। कॉलीफ्लावर ये बदतमीजी है। ओह प्लीज काबा, मैं यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ, किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं? आप अपनी बेचारगी की हालत को सही पहचान रहे हैं। अब आप तीनों की किस्मत उन मॉर्टल्स इंसानों के हाथों में है। तुम खत्म नहीं होगे वीस, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। बात तो सही है। मुझे तुम्हारी जीत पर भरोसा है, आगे बढ़ो यूनिवर्स सेवन, तुम ये कर सकते हो। मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखना है। अब छोड़ो, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम टीम वर्क की बात कर रहे हो। उस पर ध्यान मत दो। ओ, आप उन्हें जवाब नहीं देंगे माय लॉर्ड, आप तो ऐसे ना थे। ये मेरे जवाब के लायक नहीं, ये एक जोकर है। क्या करो, इन कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? Emotional, damn it! Hey, ninth universe के fighters को संभालना आसान नहीं है। शुरू में तो इनकी एनर्जी महसूस करना मुश्किल है, और जब ये एक साथ आ जाते हैं तो मुकाबला टफ हो जाता है। अच्छा बहाना बना लेते हो। Alright, तो ये आठ है वेजिटा, इसका मतलब हम दोनों को चार चार मिलेंगे, है ना? मैथ्स किसी और को सिखाना, मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा। चीटिंग कर रहे हो।
उन छोटे से रंगीन बंदों को तो देखो। जब मैं इनकी बच्चों जैसी प्यारी आवाज सुनता हूँ और इनके काम को देखता हूँ तो कितना बड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन घबराओ मत, एक दिन एम्परर फ्रीजा तुम दोनों पे राज करेगा। और वो है हमारी बॉडीज की खुशबू। खुशबू? इससे निपटने के लिए मैंने एक अलग सीक्रेट प्लान बनाया है। मुझे हराने का एक सीक्रेट प्लान सोचा है। आप बच के कहाँ जाओगे?